हेलो फ्रेंड्स, शिल्पास फूड कोर्ट में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी दलिया कटलेट्स। दलिया वैसे तो बहुत ज़्यादा किसी को खाने में नहीं पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, पर अगर आप इस तरीके से उन्हें कटलेट्स बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे और बड़े दोनों ही इसे बहुत ही टेस्ट से खाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कप दलिया जो है उसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। इस कप से मेजर करके मैंने 1 कप दलिया लिया था। भीगने के बाद ये काफ़ी क्वांटिटी में भर जाता है, तो जब ये ऐसे प्रेस करने से दबने लगे तो आपको तब तक इसे भिगो के रखना है। फिर इस तरीके से किसी स्ट्रेनर की हेल्प से सारा जो इसका पानी है वो आपको अच्छे से स्ट्रेन कर देना है। दलिया में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे किसी भारी चीज़ से, चम्मच से या किसी कटोरी से आपको प्रेस करते हुए इसका जो पानी है वो पूरा रिमूव कर लेना है। अगर पानी रह जाएगा तो जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा पानी रिमूव कर लिया है और इसे हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आगे आलू। 2 आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं ग्रेट करके। बॉइल्ड पोटैटोज ऐड करने हैं हमें। आगे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ऐसे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमें ऐड कर देना है। इससे कटलेट्स का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। आगे मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच। आगे हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच। चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, तो ये चिली फ्लेक्स हमें ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप मिर्ची पाउडर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमचूर का पाउडर 1/2 चम्मच। अमचूर नहीं है तो नींबू का रस आप ऐड कर दें। गरम मसाला 1 चम्मच, जो भी गरम मसाला आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया आप इसमें ऐड करें। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैं ऐड कर रही हूँ, 3 ब्रेड का मैंने मिक्सर में पीस के ब्रेड क्रम बना लिया है, वो आप इसमें ऐड करें। ब्रेड ना हो तो आप यहाँ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप आप बेसन ऐड कर दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को ऐड करके हमें अच्छे से इसे बाइंड कर लेना है। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से ये इजीली बाइंड हो जाता है और फ्राई करते समय बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए आप इसे एक स्मूथ सा जो डो है इसका बनाकर रेडी कर लें। ये देखिए, इस तरीके से आपका ये अच्छे से गूंद के रेडी हो जाएगा। बहुत इजीली बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक है ये। हाथ पे हल्का सा तेल लगा लेंगे हम, और तेल लगाने के बाद में इनके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे शेप में आपको चाहिए वैसे कटलेट्स आप इसके बना सकते हैं। इस तरीके से रोल करते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे, एजेस को अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि ये फटे ना, और मिनटों में ये कटलेट जो है बनकर रेडी हो जाते हैं। सारे कटलेट्स हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। तो इस तरीके से हल्का सा रोल करके आप पाम्स के बीच में इसे प्रेस करें, और मेन इसके एजेस को अच्छे से आप फिक्स करें क्योंकि वहीं से इनके टूटने का थोड़ा सा डर रहता है। पर अगर आपने क्वांटिटी सही ली है तो ये नहीं टूटेंगे। सारे कटलेट्स देखिए मैंने यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई में हल्दी मैं अवॉइड करती हूँ हमेशा ऐड करना। 1 चम्मच तेल ऐड किया है मैंने पैन में, और इस तरीके से हम उन कटलेट्स को इस तेल में शैलो फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई भी करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इजीली बन भी जाते हैं। डीप फ्राई करने में ये क्विक बनते हैं, शैलो फ्राई में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत हेल्दी है ये क्योंकि बहुत ही कम तेल में हम इन्हें बनाएंगे। तो पहले एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं मैं फोक यूज़ कर रही हूँ इन्हें हिलाने के लिए। तो कोई बड़ा चम्मच वगैरह ना आप यूज़ करें, उससे टूटने का कई बार डर रहता है। फोक की जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं, तो आप फोक की हेल्प से ही इन्हें पलट दें। तो आप देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैंने इन्हें पलट दिया है। 10 मिनट ऑलमोस्ट लगता है इसे अलट पलट करके इस तरीके से शैलो फ्राई करने में।
तो इस तरीके से आप हल्का हल्का सा इसे हर 3-4 मिनट बाद में पलटते जाएं, तो ये अंदर तक जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगे। हल्का हल्का सा ही आपको इन्हें अलट पलट करना है। बाद में आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड किया है, तो एक ही बार 1 चम्मच 1.5 चम्मच ऑयल में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए हल्का हल्का सा आपको इन्हें अलट पलट करते जाना है, और ये 10-12 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10-12 मिनट में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाते हैं। हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए हमारे ये कटलेट्स 10 मिनट में बिल्कुल बनकर रेडी हैं। गर्मा गर्म आप इन्हें सर्व करें सॉस के साथ या चटनी के साथ, गर्मा गर्म ही इन्हें आपको खाना है। ठंडे होने के बाद में ये अच्छे नहीं लगते हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अच्छे फूड का बेनिफिट दूसरों को भी मिले। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट रेसिपी की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।